जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी की रिहाई की मांग को लेकर पटना समेत पूरे बिहार में धरने पर बैठे जाप नेता, काली पट्टी बांध गिरफ्तारी का किया जा रहा है विरोध। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी की बिना शर्त रिहाई तथा कल उनकी रिहाई की मांग कर रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पर निर्ममता पूर्वक लाठीचार्ज के खिलाफ में हम लोग काली पट्टी लगाकर आज सांकेतिक धरना, साथ ही साथ अपने घर पर एकल उपवास कर रहे हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे नेता जो लगातार जनता की सेवा में उतरे हुए हैं उनकी अविलंब रिहाई हो। पटना के राज्य कार्यालय में अभी धरना का कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हो गया है, साथ ही साथ बिहार के तमाम जिला में हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अपने घर पर, अपने गांवों में जहां जिसको जो सुविधा मिल रही है वहीं से आज काली पट्टी लगा करके उपवास का कार्यक्रम और धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं अपने प्रिय नेता की रिहाई के लिए। आज यहां पार्टी कार्यालय में हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व विधायक भाई दिनेश जी, जो बिहार के संगठन के प्रभारी भी हैं, वे धरना पर बैठे हुए हैं, उपवास कर रहे हैं और अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग के इस उपवास पर पार्टी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह जी भी बैठे हुए हैं, वे भी अपने लोकप्रिय नेता के रिहाई की मांग कर रहे हैं। भाई प्रेमचंद जी भी अपनी बात रखेंगे आपके सामने में, लेकिन उससे पहले मैं परिचय कराना चाहता हूं अपने पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई वरुण जी का, जो आज अपने नेता की रिहाई के लिए उपवास पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता कमलेश कुमार सिंह जी, जो अपने नेता के लिए लगातार संघर्षरत हैं और उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ युवा जन अधिकार पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष नीरज कुमार कमांडो जी हैं, जो कल पुलिस के लाठी चार्ज में इनके ऊपर भी निर्ममता पूर्वक लाठी चार्ज किया गया है। हम अब चाहेंगे अपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के संगठन प्रभारी श्री पूर्व विधायक श्री भाई दिनेश जी से कि वे इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को और बिहार के आम आवाम को आप पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए अपना संदेश दें। आज जन अधिकार पार्टी जन नेता जन सेवक श्री पप्पू यादव के गिरफ्तारी के विरोध में पूरे बिहार में उपवास का कार्यक्रम कर रहा है और इस उपवास कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी मांग कर रही है कि जिस साजिश से पप्पू यादव की गिरफ्तारी का साजिश नहीं है, ये हत्या की साजिश है और इसके लिए कोई भी घटना अगर हो रहा है तो पूरी तरह केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो दोषी होगी। कल उनके धर्मपत्नी ने भी आशंका जाहिर किया है कि हत्या की साजिश है, इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से और माननीय राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इस घटना की जांच करें कि आखिर लॉकडाउन के उल्लंघन में सरकार गिरफ्तार करने की काम करती है और शाम को 32 वर्ष पुराना केस को खोज करके उन्हें जेल में भेजने का काम कर रही है। एक और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, इस कोरोना काल में कोई भी अगर व्यक्ति जिस पर समाज का कोई भय नहीं हो, समाज से कोई भय नहीं हो, वैसे व्यक्ति को जेल नहीं भेजना है। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, जो पप्पू यादव ने आज एक माह से लगातार अस्पताल से लेकर शमशान पर तक लोगों से सेवा करने का काम किया, खाना खिलाने का काम किया और जो बीजेपी के सांसद छपरा सांसद के घर पर 40 एम्बुलेंस को पकड़ने का काम किया,
क्या गलती करने का काम किया था। आज मैं आभार प्रकट करता हूं बिहार और देश के तमाम सभी पार्टी के नेताओं का, सभी समाज सेवियों का, न्यायप्रिय लोगों का, कि आज पूरा देश के लोगों ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध करने का काम किया है। मैं उनके प्रति आभार करता हूं और साथ ही मैं अपील करता हूं कि आप सभी जिस तरह से कल आपने निंदा करने का काम किया था गिरफ्तारी का, आज भी पूरे बिहार और पूरे देश में आप लोग एकजुट होकर आवाज उठाने का काम करें।